Hello, my lovely students. How are you? This is ARK representing ARK and I. Dear all, we are going to start a very interesting session. Ji haan, corporate governance in group entities. Group entities, आप लोग समझते होंगे कि group entities का concept क्या है? It's a kind of collection of holding and subsidiary. All right, holding and subsidiary. जैसे आप image देख रहे हैं यहाँ पे आदित्य बिरला group का, ये conglomerate है. आप लोग जानते होंगे आदित्य बिरला group लगभग 165 ईयर्स से बिजनेस कर रहा है और एक प्राइवेट ग्रुप है. वापस बोल दूं, प्राइवेट ग्रुप है जिसकी ऑनरशिप आप लोग जानते होंगे कुमार मंगलम के पास में है. ऑनरशिप का मीनिंग यहाँ पर मेजोरिटी जो स्टेक उनके हाथ में है और आदित्य ग्रुप के नंबर ऑफ सब्सिडरीज जो कि आप इमेज में देख रहे हैं. कहने का मतलब क्या है सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जी हाँ, हम बात करेंगे गवर्नेंस का इन ग्रुप एंटिटीज जो कि आज हमारा प्राइम टॉपिक है और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैमिली ओन बिजनेस के बारे में. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और प्लस आपको एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ ना कॉर्पोरेट नॉलेज के लिए भी दिया जा रहा है. मैं डिटेल में बताऊंगा ग्रुप के बारे में, आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगा. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रुप कंपनीज के अंदर होल्डिंग कंपनी को ऑफकोर्स अपनी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे कंट्रोलिंग कंपनी. जी हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 27 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के इस सेक्शन की डेफिनेशन पे भी जाके हम ध्यान समझेंगे कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है. मैं जानता हूं आप ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने शायद पढ़ा भी होगा कंट्रोल का मतलब, बट यहां और डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे. अब जैसे इमेज में अगर हम ध्यान से देखें, आदित्य बिरला ग्रुप जो कि लगभग 165 ईयर से बिजनेस कर रहा है. जी हाँ, 165 ईयर से बिजनेस कर रहा है और मल्टीनेशनल लेवल पे कर रहा है और एक कांग्लोमरेट है. कांग्लोमरेट समझते हैं ना, जो एक सेम लाइन में बिजनेस नहीं है, उसके अलग अलग एंटिटीज के अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेस है. So, अलग अलग इंडस्ट्री का मतलब, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब, चूंकि सेम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के अंदर सिर्फ यही नहीं कि वर्टिकल फॉर्म में होंगे, मींस अलग अलग बिजनेस एंटिटीज में. फॉर एग्जांपल सीमेंट का बिजनेस भी है तो कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी है. मतलब कुमार मंगलम की बात की जाए तो यू नो व्हाट इज अ गुड एंटरप्रेन्योर. यहाँ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें ग्रुप एंटिटीज का रोल या देखिएगा होल्डिंग कंपनी का अपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करने पर रहता है और याद रखिएगा वो क्यों है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी आ जाती है ना. माइनॉरिटी किसका आ गया? जो सब्सिडरी कंपनी उसका माइनॉरिटी आ जाएगा. उनके शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन की बात कंपनीज एक्ट कहता है कि करना पड़ेगा. जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा लिस्टेड एंटिटी का, उसको डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा इन द बोर्ड ऑफ इट्स अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के अंदर. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे. ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी के एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे, प्लस देखेंगे साथ ही साथ में कि मटेरियल सब्सिडरी या मटेरियल ट्रांजेक्शन अगर किए जा रहे हैं तो उसमें भी ऑफकोर्स होल्डिंग कंपनी उसको ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेगा. इन सर्टन केसेस जहां याद देखेगा मटेरियल सब्सिडरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन की बात हो रही होगी और जहां पर वहां उनकी एसेट्स, जी हाँ, सब्सिडरी की एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा 20% से ज्यादा की वैल्यू को. ये सारे एस्पेक्ट्स, जी हाँ, तो उसमें श्योरिटी अप्रूवल लगेगी. ये सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में समझेंगे. सो ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, आइए डिटेल में समझते हैं. नॉट टू वरी अबाउट इट, अभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिएगा कि आदित्य बिरला ग्रुप की अगर मैं बात करूं. सो देखिए माय डियर ऑल, लगभग आदित्य बिरला ग्रुप, क्योंकि बहुत अच्छा लोग पूछता है अरे सब प्राइवेट जी कंट्रोल, यहाँ पर कंपनी ऐसे इसमें बोल रहे हैं प्राइवेट है बट उसके अंदर सब्सिडीज है अक्सर कंपनीज के सी ऑलमोस्ट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड. ऑलराइट, इंडस्ट्री टाइप कॉन्ग्लोमरेट, 165 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं सर. की पीपल यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला ऑनर पढ़ लेना अच्छे से. कुछ लोग जो है ना, जो आप लोगों को कॉर्पोरेट अपडेट्स के बहाने उटपटांग नॉलेज दे रहे हैं उनसे अवेयर रहेगा, चेक कीजिएगा डिटेल्स को, कॉन्फिडेंट होकर पढ़िएगा, ठीक है. एंड नाउ हियर वी कैन से दैट रेवेन्यू आप देख ही रहे हैं हाल फिलहाल जो कि सामने है. सब्सिडरीज की अगर बात करूं तो यहाँ देखिए सब्सिडरीज, अब ध्यान सुनना एक पर्पस क्या है एक्चुअली. जहां सब्सिडरीज दिखा रहा हूं मैं आपको, बोर्ड ऑफ आइडिया, हैंडीक्लॉक इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब का सारा इंडस्ट्री अलग अलग है ना, इसे बोल रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट. ऑलराइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या समझने वाली है. इन ग्रुप एंटिटीज के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे जाएगा रे, उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे. वो हम डिस्कस करेंगे कहां, हमारे मॉड्यूल्स. मॉड्यूल से ही सर क्यों पढ़ाएंगे आप? मॉड्यूल से इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी. नोट्स नोट्स के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करो, और कोई पढ़ा रहा है आपको और आप अगर पढ़ रहे हैं सो कीप इन माइंड.
लेकिन यहां आपको मॉड्यूल से थोड़ा स्टडी कराएंगे. ऑलराइट, चलिए समझते हैं. जब हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस ऑफ ग्रुप एंटिटीज और सब्सिडीज, तो कहता है ग्रुप ऑफ कंपनी इज अ कलेक्शन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी. क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी that functions as a single economic entity through a common source of control. Through a common source of control, single economic activity. Ultimately, क्या पैसा कमाने का कोई ना कोई, जैसे अभी आदित्य बिरला ग्रुप के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं. देखो ध्यान से, यहाँ एक ग्रुप कैपिटल में बिजी है, आदित्य बिरला ग्रामीश में है, फैशन एंड रिटेल के अंदर भी है, वोडाफोन आइडिया भी है, या हम बात करें बिरला कैपिटल, अल्ट्राट्रैक, अलग अलग कंपनीज हैं. क्या कर रहे हैं? सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और कंट्रोल हो रहा है थ्रू कॉमन सोर्स ऑफ कंट्रोल. कॉमन सोर्स ऑफ कंट्रोल का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 27 ऑफ कंपनीज एक्ट यहां बताएगा कि वो कंट्रोल क्या है. सर क्या है कंट्रोल? तो उसी को देखते हैं. देखिएगा, जैसे यहां पे कह रहा है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बिग फैमिली बिजनेसेस ऑपरेट टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज लाइक टाटा ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप. ठीक है, कंट्रोलिंग अ कंपनी मींस हैविंग द पावर टू अपॉइंट द मेजॉरिटी डायरेक्टर्स एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजंस. डिसीजंस कौन से डिसीजंस मेरे बच्चों? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड ऑपरेशनल डिसीजंस. कंपनी कैसे बिजनेस करेगा, कहां करेगा, एक्विजिशन करेगा, मर्जर करेगा. ऑलराइट, ये सारी एस्पेक्ट्स जब हम बात करें, फॉरेन कोलैबोरेशन में जाएगा, ये सारी सारी क्या हो रही है उसकी स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन. तो कौन कंट्रोल करता है? जो कंट्रोल करता है मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 27 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग. अब वो क्या है, आइए उसी पे हम अपना प्राइम फोकस लेके आते हैं. ध्यान सुनना, सेक्शन 2 क्लॉज 27 अपने मॉड्यूल में जरूर उसको रीड कीजिएगा साथ में. कंट्रोल शैल इंक्लूड डेफिनेशन कैसी, इंक्लूसिव राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता होगा, अगर आपके पास राइट है, एक कंपनी के बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 है एंड यू हैव अ राइट टू अपॉइंट 6 डायरेक्टर्स, तो आपके पास राइट है क्या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का. और कंट्रोल द मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन लेने की पावर आपके हाथ में. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी को फंड प्रोवाइड किया हुआ, साथ साथ आपने कहा कि ठीक है मैं कंपनी को बताऊंगा कंपनी बिजनेस कैसे करेगा, कंपनी में कितना स्टाफ लोग होगा, किसकी अपॉइंटमेंट होगी, कौन कब क्या वर्किंग होगी, सारी एस्पेक्ट्स जो कि रिलेटेड टू मैनेजमेंट है. पॉलिसी डिसीजंस एक्सर्टेड बाय द पर्सन और पर्संस एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, अकेला या मिलकर सेम ग्रुप बनाकर, और इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स, या तो बिकॉज ऑफ देयर शेयर होल्डिंग दे हैविंग अ मेजर शेयर होल्डिंग क्या हो रहा है, या मैनेजमेंट राइट्स उनके पास, या शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स हैं, या वोटिंग एग्रीमेंट्स हैं. वोटिंग एग्रीमेंट्स पे आपको याद होगा सुपीरियर वोटिंग राइट्स होता है ना, यूजली किनके पास होता है? प्रमोटर्स के पास में होता है, जो ये कह देते हैं शुरू में ही कि भैया कंपनी के हम सुपीरियर वोटिंग राइट्स रखेंगे, खास तौर से इनिशियल स्टेज पे दिया जाता है ताकि कंपनी का मैनेजमेंट वो कंट्रोल कर सके. तो यहाँ पे अगेन वर्ड आ गया कंट्रोल. ऑलराइट, तो क्या वर्ड यूज कर रहा हूं जब हम ग्रुप एंटिटीज की बात कर रहे हैं? तो ग्रुप एंटिटीज बेसिकली सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ फोकस करती हैं, बट कंट्रोल होती है कॉमन सोर्स ऑफ, है ना. अभी कंट्रोल, कॉमन सोर्स ऑफ कंट्रोल का मतलब यहां पे क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 27 के अकॉर्डिंग इन एनी अदर मैनर. ऑलराइट, नाउ अब यहीं पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस यहां पे रेगुलेशंस लॉज, याद देखिएगा, ये मैंडेटरी पोजीशन कास्ट कर देते हैं ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी कि वो ध्यान रखें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को. और वो एस्पेक्ट्स क्या हैं जो बेसिकली मिनोरिटी के इंटरेस्ट को, मिनोरिटी शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे फॉर द बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी, द बोर्ड ऑफ द होल्डिंग कंपनी, याद रखिएगा, ऑफ अ होल्डिंग कंपनी द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंड इट शुड बी इन्वॉल्वड इन द गवर्नेंस ऑफ इट्स सब्सिडियरी. जैसे अभी हमने बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो होगी, लिस्टेड कंपनी के लिए डायरेक्टर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टर बनना किसमें, आपको सब्सिडी का चाहिए. कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स होल्डिंग कंपनी कंसिडर करेगा. क्या हो रहा है, जैसे कई सारी एस्पेक्ट डिस्कस करता हूँ. देखो अभी टू प्रॉपरली कैरी आउट इट्स फिड्यूशियरी रोल द बोर्ड मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली. द होल्डिंग कंपनी ऑफ्टन नॉमिनेट्स इट्स डायरेक्टर और ऑफिसर्स एज डायरेक्टर ऑन द सब्सिडी कंपनी. It is difficult for the board of directors subsidiary to act in its own interest alone. अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि subsidiary का director सिर्फ अपनी company के benefit के लिए काम करेगा. नहीं, ध्यान सुनना.
अगर वो ऐसा करता भी है, इफ दे इज द डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी गोज अगेंस्ट द विशेस ऑफ द होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर, द चांसेस आर दे विल गेट फायर्ड. देखो, if director of subsidiary company act against the wishes of the controlling authority, the risk being removed from the board as a result of interest of a group, holding company gets priority over that of the subsidiary. ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, section 2 clause 27 के definition में read किया है. यार देखिए, सिर्फ definition को मैंने यहाँ पर postmortem इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये definition आप लोग बहुत time से पढ़ते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा. लेकिन कोई भी query section 2 clause 27 के definition पे है, बिल्कुल पूछिएगा, है ना, कि ना इनका व्हाट्सएप पे पूछिएगा या कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जहां बताएंगे हम लोग डेफिनेट आंसर करेंगे. नहीं समझ में आएगा तो उस पर स्पेसिफिक क्लास भी प्रोवाइड करूंगा. ऑलराइट ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ये सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, सर आप तो कहते हैं मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे पूरा पूरा. ये सिर्फ रीड करने के लिए छोड़ा है, वही एस्पेक्ट्स वापस रिवाइज हो रही है. मैं आपको लेके जा रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड मिनोरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडियरी, certain provision have been put in place both by the companies act 2013 and CBLODR. ये question exam के लिए खतरनाक है, इसे छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझना है और अपना secure करना marks को. इसके अलावा जब आप याद देखिएगा खुद practice में जाएंगे या training करेंगे तो भी आपको ये compliances करते हुए वक्त ये aspects को check करना होगा. alright, जैसे first board, at least one independent director on the board of directors of the listed company shall be director on the board of directors of an unlisted material subsidiary. Unlisted material subsidiary, material subsidiary, I hope आप जानते होंगे जिस company, of course, example के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे total revenue consider कर लीजिएगा या criteria लेंगे network का, समझना. अब ये holding company and उसकी subsidiary company, ठीक है. अगर होल्डिंग सब्सिडरी को मिला के मान लीजिएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और इनकी अर्निंग 100 रुपीज हुई, एग्जांपल दे रहे हैं 100 रुपीज हुई, ठीक है. तो यहां पर हम इसे मटेरियल सब्सिडरी जब बोलेंगे जब इस 100 के अंदर इस कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% ज्यादा हो, मतलब मोर देन 20% ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 में 21 रुपीज है, मोर देन 20, यहां पर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सिडरी का है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, अब वो कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल रेवेन्यू या उसकी नेटवर्थ का. टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे एग्जांपल से लिया, टोटल रेवेन्यू अगर 100 है या नेटवर्थ है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और उसमें 21 मतलब मोर देन 20% अगर सब्सिडरी का अमाउंट है, तो सम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर क्या, मटेरियल सब्सिडरी. इसके ऊपर मैंने आपको बताया था क्या नेगेटिव अगर हो जाएगा तब भी उसे सब्सिडरी मानेंगे, मटेरियल सब्सिडरी मानेंगे. पॉजिटिव कैसे होगा उस पर हम मटेरियल सब्सिडरी मानेंगे. मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि इसका जो यू नो बैलेंस है नेगेटिव जाए, मतलब सारी एस्पेक्ट्स देखिए याद रखिएगा, हमने इससे पहले वाले कई सारे सेशंस में डिस्कस किया. उम्मीद करता हूँ मटेरियल सब्सिडी आपको पता होगा, ठीक है ना. तो अब क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका लिस्टेड एंटिटी का, उसको आप डायरेक्टर बनाइए कहां पर, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी में. आपको ना फ्यूचर में कंप्लायंस चेक करना है, ऑलराइट, इसलिए सिखा रहे हैं, समझ लीजिएगा. The minutes of the meeting of the board of director of unlisted subsidiary shall be placed at the meeting of the board of director of directors of the listed company. पहला काम director का ऐसे साइड में फटाफट से अपने मॉड्यूल में लिख लो ताकि एकदम इजी रह जाए, ठीक है. पहला काम director आना, कौन सा, independent director, ठीक है. subsidiary का चेक करेंगे होल्डिंग कंपनी रखा हो, ठीक है. दूसरा काम minutes of subsidiary company कहां रखना है, प्लेस बिफोर बोर्ड मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है. ऑलराइट, चलिए. द मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल बी पीरियोडिकली ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी एंड अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स entered into by unlisted material subsidiary. Significant transaction arrangement shall mean any individual transaction arrangement that exceeds or is likely to exceed 10% of total revenue or total expenses or total assets or total liabilities. चार criteria है, total revenue, total expenses, total assets. देखिए यहाँ पे highlight कर लीजिएगा, point में चाहे बना लीजिएगा, total revenue, टोटल एक्सपेंसेस या एसेट्स या लाइबिलिटीज. बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, अगर कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 10% से ज्यादा है, ऑफ विच टोटल
रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस और टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, इन चारों में से किसी भी क्राइटेरिया के अंदर या देखिए 10% ज्यादा है तो क्या करना होगा, उसे कंसीडर किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जो कि होल्डिंग है यहां पर. ऑलराइट, चलिए ना, तो पहला एस्पेक्ट हमने क्लियर कर लिया कि यहां पर बोर्ड कंसीडर करेगा, बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स होनी, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि लिस्टेड एंटिटी होगा वो कहां जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अलिस्टेड मेटल सब्सिडियरी का बोर्ड में बटेगा. इसके अलावा मिनट्स होंगे सब्सिडियरी के, उसे कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, मैनेजमेंट को पीरियोडिकली रिव्यू करेगी कौन, लिस्टेड कंपनी का बोर्ड. इसके अलावा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है और वो ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट जो है वो मोर देन 10% है ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज, इन दैट केस इसे भी कंसिडर किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी. नेक्स्ट एस्पेक्ट आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब अगर एक लिस्टेड कंपनी के एसोसिएट कंपनीज हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं या सब्सिडरीज हैं तो ये मैंडेटरी है कि उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रेजेंट करने ही करने हैं, मतलब करने ही पड़ेंगे. स्टैंड अलोन बेसिस पे तो बना लिस्टेड कंपनी, अपना स्टैंड अलोन बेसिस पे तो बनाएगी बनाएगा, साथ के साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. देखिए, इफ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज एसोसिएट कंपनी जॉइंट वेंचर्स इट शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज एसोसिएट कंपनीज जॉइंट वेंचर्स in the same form and manner as that of its own, in addition to the standalone financial statements. Holding company, consolidated financial statements of the holding company is to be published or publish bhi karenge to disclose the details about a subsidiary, associate company or joint ventures. ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल, आपको याद होगा हमने टाटा स्टील लिमिटेड के ऊपर भी डिस्कस किया था, हमने डिटेल में बताया था, मैंने आपको डेटा भी दिखाया था प्रैक्टिकली की. आप चाहे तो देखिए, विजिट कीजिएगा, आप देखेंगे टाटा स्टील लिमिटेड की वेबसाइट पे जाएगा, आप देखेंगे वहां पे सारा डिटेल मिल जाएगा. कैसा मिल जाएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए, जहां पे उन्होंने अपना स्टैंडअलोन बेसिस पे भी स्टेटमेंट दिया हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस कंसोलिडेटेड बनाया हुआ अपना जितना हम सब्सिडियरी सबने भी, तो डिस्क्लोज भी करना मैंडेटरी है. ऑलराइट सर, कर देंगे. अब डिस्क्लोज जो करेंगे उसमें क्या बताएंगे, सेक्शन 129 कहता है कि कंपनी ना होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स में बताएगा, होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट्स में बताएगा कि सब्सिडियरी में कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है. Balance sheet of holding company shall specifically disclose the investment in subsidiaries. P&L of holding company shall disclose the dividends from the subsidiary, provision for losses of subsidiary companies, and the holding company shall require to. अब ध्यान समझना क्या बात कह रहे हैं. Holding company को क्या करना है, consolidated financial statements prepare कीजिएगा. Plus आप याद रखिएगा, आपको बताना पड़ेगा आपकी balance sheet में कि कितने investments आपने subsidiary में क्या हुआ है. इसके अलावा आप बताएंगे क्या आपके जो P&L में है, P&L के अंदर क्या बताएंगे, डिविडेंड कितना मिला हुआ है या किससे सब्सिडी से, इसके अलावा लॉसेस कितने हुए हैं, मतलब प्रोविजंस फॉर लॉसेस ऑफ द सब्सिडी के बनाए हुआ आपने, वो भी आपको पैनल में मेंशन करना है. एंड इसी को क्या करेगा, प्लेस सेपरेट ऑडिट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिडी इन इट्स ऑन वेबसाइट्स, कंपनी की वेबसाइट पे आप सेपरेट एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करेंगे. एंड कॉपी ऑफ द, ऑफ कोर्स अगर कोई मेंबर डिमांड करेगा तो उसको प्रोवाइड भी करना है. सेक्शन 136 याद होगा, copy of separate audited financial statements in respect of each of its subsidiary to shareholder of company who ask for it. Section 136. Of course, sir, yaad hoga aap logon ko, it's a right of shareholder to receive the audited accounts of the company. All right, financial statements hone ka right hai uske paas, audited financial statements ka. To dusre aspect humne kaha kari, concept consolidated financial statements. Now, on the other hand, balance sheet of subsidiary company should disclose shares held by its holding company or its ultimate holding company. दो नीचे आ गया, holding and its ultimate holding. जैसे आपको याद होगा ना, umbrella हमने पढ़ा था layer system के अंदर, not more than two layers. अब पुराना वाला कंपनी हटा दीजिएगा, आज के डेट में अगर गए तो not more than two layers. Not more than two layer का मतलब कंपनी A का subsidiary B, B का subsidiary C, तो ultimate C का CD, C का नया कंपनी का ultimate subsidiary बोलेंगे. अब ultimate holding कौन हो गया, A. याद हो गया यार, तो एग्जीक्यूटिव में खूब डिस्कस किया है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट हमें जो कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर साथ साथ सेबी बताता है कि आपको अपनी सब्सिडियरी की तरफ या अपनी या तो ग्रुप एंटिटी की तरफ ये बात ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी के बारे में. जैसे स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल अंडरटेक अ लिमिटेड रिव्यू ऑफ ऑडिट ऑफ ऑल एंटिटीज कंपनीज हुज अकाउंट्स आर टू बी कंसोलिडेटेड विद द लिस्टेड एंटिटी. Besides audited annual consolidated statements, at least 80%, याद रखिएगा, at least 80%, कितना 80% of the quarterly consolidated financial results of each of the consolidated revenue, assets or profit
shall have been audited and subject to the limited review by the auditor of the company. मतलब उसके assets, revenue, assets और profits उसको याद रखेगा, audit किया जाएगा किसके बाद, sorry, auditor. Now audit committee of the listed company shall also review its financial statements of subsidiaries in a particular statement investments made by the unlisted subsidiary. अगर listed company की subsidiary investments करती है, unlisted subsidiary invest करती है, तो उसको भी याद रखेगा, review करेगी audit committee. The board of director of holding company can authorize anyone to inspection book of accounts of any subsidiary. Section 128 के अंदर आप ये बात पहले भी पढ़ चुके होंगे कि board of directors अपने किसी भी एक board member को authorize कर सकते हैं, board member को authorize कर सकते हैं कि वो inspect करे book of accounts. याद देखिएगा, ये power board of director delegate कर सकते हैं किसी director को या किसी और officer company के officer को, लेकिन member नहीं कर सकता. याद होगा आप लोगों को section 128 detail में discuss पहले ही किए हुए कई बार ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि डिस्कस किए हुए हैं तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट सेशन बहुत अलग चला जाएगा. तो इसके लिए आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं, मैं अलग से आपसे डिस्कस कर सकूंगा. ऑलराइट, नाउ मटेरियल सब्सिडियरी की अगर बात करें, वही हमने अभी ऑलरेडी आपको बताया था, मटेरियल सब्सिडियरी हम डिस्कस करते. जैसे लिस्टेड कंपनी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर्स इन इट्स मटेरियल सब्सिडियरी. जी हाँ, मटेरियल सब्सिडियरी के, मटेरियल सब्सिडियरी में क्या देखेगा, लिस्टेड कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है अपने शेयर्स डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी. देखो, लिस्टेड कंपनी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर्स इन इट्स मटेरियल सब्सिडियरी व्हिच वुड रिड्यूस इट्स शेयर होल्डिंग. अल्टीमेटली क्या होगा, अब देखिए मानते हैं हम लोग अच्छे से बात, तो होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कब है, जब वो मोर देन 50% कंट्रोल करता है टोटल वोटिंग पावर. अब मान लीजिएगा वो यहां पर वोटिंग पावर जो है 50% से रिड्यूस हो रहा है. याद देखिएगा, रिड्यूस का मतलब दो तरह से, इक्वल टू और रिड्यूस, दोनों ही आस्पेक्ट कवर हैं, इक्वल टू और रिड्यूस. अगर ऐसा करती है होल्डिंग कंपनी तो होल्डिंग कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी कंपनी ऐसा कर सकता है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. तो विदाउट पासिंग एसआर कंपनी ऐसा नहीं कर सकता. कौन, होल्डिंग कंपनी. देखिए समझते हैं, इधर इट्स ओनर टुगेदर विद अदर सब्सिडरीज टू लेस देन 50% और सीजेस द कंट्रोल, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर अ सब्सिडरी विदाउट द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. सो इट रिक्वायर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी अगर करता भी है रिड्यूस अपना शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी, खुद कर रहा है या थ्रू अदर सब्सिडरीज कर रहा है, तब इस केस में याद रखने वाली बात क्या है, एसआर की नेसेसिटी होगी, एसआर पास करना होगा. बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस केसेस के, जैसे कहता हैज बीन ग्रांटेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 24. एक और भी बात कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट, कोई स्कीम को अप्रूव किया हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट को, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है जो कि रेजोल्यूशन प्लान की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है. आईबीसी के अंदर इसमें हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे अलग से, वो भी आने वाला पार्ट, पर यहां बता देते हैं, अगर कोई स्कीम डिसइन्वेस्टमेंट की स्कीम अगर ट्रिब्यूनल अप्रूव कर रहा है या रेजोल्यूशन प्लान, आपको याद होगा रेजोल्यूशन प्लान है, उसको अगर एनसीएलटी कंसीडर कर रहा है तब भी याद रखेगा, तब ये प्रोविजन एसआर पास करने वाला नहीं लगेगा, फिर तो एनसीएलटी का जो जजमेंट होगा वही फॉलो किया जाएगा. ना Selling, disposing and leasing of assets amounting to more than 20% of the assets of material subsidiary. Yaad dekhiyega, assets of material subsidiary on an aggregate basis during a financial year shall require prior approval shouldered by way of a special arrangement unless the sale, disposal, lease is made under scheme of arrangements duly approved by the court or tribunal under section 24. Kya hai, kya aap kar rahe hain, agar aap sale kar rahe hain, dhyan se suniyega, dispose of kar rahe hain ya lease pe de rahe hain assets, और उसकी वैल्यू कितनी है, मोर देन 20%, ऑफ एसेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी. मटेरियल सब्सिडरी की अगर किसी भी एसेट्स को सेल, लीज, डिस्पोज खत्म किया जा रहा है और उसकी वैल्यू जो है 20% से ज्यादा है ऑफ द एसेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी, इन दैट केस इट इज रिक्वायर्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगेन अब आप सोच से देखो, यही क्या कर रहा है, राइट, एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ऐसी तरीके से तो गवर्नेंस आ रहा है कहां पर, इन ग्रुप एंटिटीज. सो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अब सोच के देखिएगा जब हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक लॉजिकल बात आ गया ना, अगर आदित्य बिरला ग्रुप
आदित्य बिरला ग्रुप की हम बात करेंगे, तो आदित्य बिरला ग्रुप को अपनी इन ग्रुप कंपनीज के अंदर किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना होगा, याद देखिएगा, एक तो बोर्ड की बात की थी हमने, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बोर्ड की अपॉइंटमेंट जो कि इसकी अनलिस्टेड मतलब सब्सिडरी में रहेगा हमने ध्यान दिया, उसके अलावा मिनट्स होंगे इसके सब्सिडरी को, उनको प्लेस किया जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, अब तो होल्डिंग कंपनी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन का वैल्यू 10% ज्यादा है अब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसिस टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज इन दैट केस इट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द होल्डिंग कंपनीज प्रेडिक्टर ऑलराइट। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात किया, इसके अलावा हमने बात किया मतलब इस कंपनी में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया, इसके अलावा हमने बात किया ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी का बात किया एंड मटेरियल सब्सिडी की ट्रांजेक्शन की बात करी। अगर रिड्यूस करता है तो परमिशन लगेगा, मतलब समझ में आ रहा होगा मैं कह रहा हूँ बेटा इन कंपनीज के अंदर ग्रुप कंपनीज के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप को इस बात को ध्यान रखना होगा कि वो गवर्नेंस जो कि कंपनीज एंड सेबी एलडीआर में बोले गए उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट चलिए आगे एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और अगर ध्यान से देखें हम लोग तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैमिली बिजनेसेस इन इंडिया। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें अगर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं लेकिन आप क्यों क्योंकि फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का मतलब मेरा यह है कि कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं टाटा ग्रुप की हम बात करें, रिलायंस ग्रुप की हम बात करें, गोदरेज ग्रुप की बात करें, सारे के सारे बिजनेस ज्यादातर कैसे हैं फैमिली ओन बिजनेस, लिस्ट है पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है और फैमिली बिजनेस होते क्या, वो फैमिली बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जो एचयूएफ फॉर्म में हो, पार्टनरशिप फॉर्म में, कॉर्पोरेट फॉर्म में हो सकता है, जी हाँ कंपनी फॉर्म में हो सकता है। और यूजली देखा गया है कि शुरुआत में फैमिली बिजनेसेस एचयूएफ या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट होते हैं एंड लेटर ऑन यही बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म में चले जाते हैं और फिर अपने कंपनी के ऑफ कोर्स अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनलिज्म फॉलो करके, जी हाँ प्रोफेशनलिज्म फॉलो करके कंटिन्यू करते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली नेसेसरी है बिकॉज आज मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर प्रोफेशनलिज्म होने की वजह से कंपनीज के अंदर डिस्प्यूट्स कम होते हैं क्योंकि फैमिली ओन बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है डिस्प्यूट्स। जी हाँ डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट जनरेशन है, इवन ये भी कंसीडर किया गया है कि फैमिली ओन बिजनेस है ना यूजली 2 or 3 जनरेशन से ज्यादा रन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जब भी अगर हमने बात किया आदित्य बिरला ग्रुप का या टाटा सन्स की हम बात करेंगे या रिलायंस की हम बात करें तो सर ये 30 जनरेशन से ज्यादा नहीं चल सकता क्या, ऐसा नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि फैमिली ओन बिजनेसेस 2 or 3 जनरेशन ज्यादा वर्क नहीं करते, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों जनरेशन के पर्सपेक्टिव, दोनों जनरेशन के आइडियाज, इंटेंशन, अप्रोचेस डिफरेंट होती है। अब यहां क्या होगा कि अगर इन्हीं में गवर्नेंस का रोल प्ले कर दिया जाए और एक प्रोफेशनलिज्म की तरह इन कंपनीज को कैरी किया जाए तो ये डिस्प्यूट्स बहुत हद तक कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नेसेसरी हो जाए कि जब कॉस्ट कंपनी फॉर्म में बनाने के बाद में कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और एक कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर की रोटेशन, ये सारी अगर एस्पेक्ट्स अगर जब इन्वॉल्व हो जाएंगी किसमें फैमिली ओन बिजनेस में जो कि कॉर्पोरेट फॉर्म में आ जाते हैं तो यही जो हम बोल रहे हैं 2 to 3 जनरेशन बिजनेस ज्यादा रन नहीं करते फैमिली ओन बिजनेस, यही प्रॉब्लम खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। सर समझते हैं इस कहानी को क्या है, देखिए इंडियन जॉब्स आर रिच एंड ग्लोरियस, आइएगा स्क्रीन पे आ जाइएगा फटाफट से, enjoys a rich and glorious history of family owned business. A family business may be company, company ke form mein ho sakta hai, partnership ho sakta hai, firm ho sakta hai, HUF hota hai, or any other form of business owned, controlled and operated by members of family. In India, majority of businesses are controlled by families. Inka example dekhenge aap, group corporation houses kaun se, Aditya Birla Group, abhi hum baat kiye the, Bajaj Auto, Aisha Motors, Imami, GMR Infrastructure, Godrej, GVK Powers, Infrastructure, HCL, हीरो मोटर काम, मैरिको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, सब मतलब यार देखो ना पूरा लिस्ट है, लंबा चौड़ा लिस्ट है, नॉट इवन जस्ट यू नो व्हाट इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा है। द मोस्टली बिजनेसेस, मोस्टली फैमिली बिजनेस डू नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 2 or 3 जनरेशंस। नाउ द मेन रीजन फॉर सच शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ फैमिली बिजनेस ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म, गवर्नेंस मैकेनिज्म की वजह से प्रॉब्लम है। अगर एक कंपनी, अब समझो बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बहुत पहली पहली एस्पेक्ट है समझना, अब गवर्नेंस ही अगर किसी कंपनी के अंदर नहीं होगा, गवर्नेंस का मतलब सुन रहे ना, बोला क्या ठीक है रेगुलेटरी कंप्लायंस काम सबको फॉलो करना है ठीक है, अब वही वहां पर एक तो हुआ कि आपको करना है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंडेटरी, बोला हाँ जी करना पड़ेगा ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो वेल गवर्निंग कंपनी होगी विद द बेस्ट कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस,
बट अगर वही अगर वहां पर कोई मैंडेटरी नहीं है और हर एक पर्सन फ्री है अपनी चॉइस के लिए डिसीजन लेने के लिए, तो डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं राइज होंगे ना. देखो इन द फैमिली विद बेटर फैमिली गवर्नेंस बिजनेस डेवलपमेंट रीचेस नेक्स्ट लेवल एंड इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस अक्रॉस द जनरेशंस. लेकिन अगर यहीं पर अगर बेस्ट फैमिली गवर्नेंसेस हो, बेस्ट फैमिली गवर्नेंस मतलब अप्रोचेस को कंसिडर करना, प्रपोजल्स को साथ बैठे डिस्कस करना, ठीक है, और अपने सारी किसी भी डिसीजन को लेते हुए उसके प्रो एंड कॉन्स को कंसिडर करना, एक अप्रोचेस सबकी सेम. फॉर एग्जाम्पल टारगेट किसी कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस बताने की यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही कंपनी, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी ड्रीम यू नो to become a world largest manufacturer हो, सबका intention एक साथ हो, सबकी approaches एक साथ हो कि world का biggest हमें manufacturer बनना है, तो ये सारी issues है ना हम होंगे कम होंगे. Strong governance measures in a family owned business can effectively act as a prevention mechanism against a lot of tensions that may arise between the family members at a later stage. आपने देखा ना Reliance के अंदर, Reliance Group के अंदर मुकेश अंबानी and अनिल अंबानी के मैटर को आप कंसिडर करेंगे, वहां यही हुआ कि लेटर ऑन इसी बिजनेस को, जी हाँ, उनकी मदर ने फाइनली को कहला बेन डिसाइड किया कि ठीक है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज किस किस को दी जाएगी, और बाद में डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट के बाद में दोनों ही ब्रदर्स को उनका उनका बिजनेस दे दिया, बाद में देना हुआ क्योंकि दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट है. ठीक है, Now, it is also imperative for a family business to adopt effective corporate governance measures in order to give their tough competition to the other players in the global market. अब ये जरूरी है कि अगर वो global market में you know what, अगर compete करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरी है कि वो good corporate governance practices को follow करें. वो क्या होंगी वो ही आपको समझाते हैं. देखो अब देखो यहाँ all key positions in businesses are held by the family members. Reliance Jio का example देख लीजिएगा, अभी रिसेंटली देखने को मिला कि आप Reliance Jio का चेयरमैन को याद कर ले, मैं नाम नहीं लूंगा, होप आपको याद होगा. ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, चेयरमैनशिप होल्ड किया. अब क्यों है, फैमिली मेंबर है. हाँ, अगर हम ध्यान से देखें मुकेश अंबानी के बेटे, आपको याद होगा, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बना के आप लोगों को बताया अलग से. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, आई एम नॉट हियर प्रमोटिंग टू एनी वन, ऑलराइट. सो मैं यहाँ सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप देखेंगे उन्हीं को बनाया गया. या अभी हम कुमार मंगलम की बात कर रहे थे, इनके यू नो व्हाट फ्रंट बिजनेस जो है इनके पीछे का देखा जाए तो पूरी लेगेसी जो चली आ रही है फैमिली मेंबर्स, राजकुमार मंगलम खुद, हम देखिए ना एग्जाम्पल अगर यहाँ से दिखाएं आपको, देखिए अगर हम ऑनर्स की बात करें, अभी आज कुमार मंगलम यहाँ पे हम देख रहे हैं, और अगर हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में ध्यान से देखना मेरे बच्चों. देखो यहाँ हो, फाउंडेड इन 1857, 165 ईयर्स चल रहा है. फाउंडर कौन थे, शिव नारायण बिरला, शिव नारायण बिरला. आज का डेट में बात कर रहे हैं कुमार मंगलम बिरला, ये फैमिली का ही तो चल रहा है रोटेशन, देख रहे हैं आप बिरला ग्रुप के अंदर, वही हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, तो यहाँ की पोजीशंस भी अगर देखा जाए फैमिली के बिजनेस के अंदर, वही संभाल रहे जो फैमिली मेंबर्स होंगे. एंड नॉन फैमिली मेंबर्स मे ऑफ कोर्स बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड बट डिसीजन मेकिंग पावर यूजली वेस्ट विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. प्रोफेशनलिज्म ऑफ अ फैमिली बिजनेस इज ऑफ अ सुप्रीम इंपॉर्टेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. इन द एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म अ फैमिली बिजनेस मे गेट फ्रीक्वेंटली पुट डाउन विद कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड सिस्टमेटिक वर्क प्रोसेस रूल कंफ्यूजन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इनफॉर्मल मतलब उनका एक इंटेंशन होता है फैमिली फर्स्ट. इसीलिए क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर्स जब भी अगर फैमिली ओन बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फंड प्रोवाइड करने के लिए, तो थोड़ा बचते हैं क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या है इन्वेस्टर्स को. अब इन्वेस्टर्स उसको पता है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन यार इनका तो मेनली प्राइम फोकस करेगा कि फैमिली बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो इंटेंशन क्या होगा उनका, फैमिली फर्स्ट. अब एक प्रॉब्लम और देखो, ओल्ड फैमिली बिजनेसेस हाउसेस आर चेंजिंग टू अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज.
अब वो उनके लिए बेस्ट है. नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन. अभी आपके लिए बोल सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैमिली ओन कंपनीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013. ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक और कि फैमिली ओन बिजनेस के अंदर कौन कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट जो कि कंपनी से कहता है फॉलो करनी पड़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद इट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब क्या है बेटा, टू बिल्ड अप ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब अगर आज के डेट में हम बात करें, भले ही कंपनी कोई कंट्रोल कर रहा है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर अभी हम बोल रहे हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप है, इसके अंदर भले ही हम बोल रहे हैं प्राइवेट, ठीक है जी, आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें प्राइवेट, ऑलराइट, ऑनरशिप प्राइवेट, ठीक है, बट अगर इनकी सब्सिडियरी कंपनीज के अंदर हम बोल रहे हैं वो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होगा, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ऑलराइट, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रहेगी. तो क्या ये तो बहुत से पता है, वन थर्ड टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. Have no material or pecuniary relationship with the companies and related persons. अब यहाँ पर फैमिली जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना कि फैमिली फैमिली फैमिली, ऐसा केस में है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फेयर प्रैक्टिस करेगा. Unlisted public companies having a paid up share capital, याद होगा मेरे बच्चों को, 10 करोड़ और 10 ओवर 100 करोड़ और outstanding loan debenture deposit 50 करोड़ और मोर, वो मैंडेटरी है कि एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा. ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पर यहां से सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ प्रोविजंस के लिए. वही अगर हम बात करें वुमेन डायरेक्टर की, तो कहता है डाइवर्सिटी के लिए लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ टर्न ओवर 300 करोड़ मोर, 100 करोड़ मोर देन 100 करोड़, या फिर बोल रहा है जी 300 करोड़ और मोर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और टर्न ओवर 100 करोड़ मोर, रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी. कौन सा, लिस्टेड कंपनी में करना करना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर भी है. वही कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसा होगा, इन कंपनीज को करना पड़ेगा. फैमिली और बिजनेस तो क्या हो गया, हम तो करना पड़ेगा कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस. नेटवर्थ 500 करोड़ मोर अगर है, याद होगा टर्नओवर, याद रखिएगा 1000 करोड़ मोर है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 1000 करोड़ मोर, रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट सोशल कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी. और उसमें क्या होगा, सिस्टम 185 कहता है कंसीडरिंग 3 और मोर डायरेक्टर्स एंड विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर प्राइवेट कंपनी में तो लगता नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, प्राइवेट कंपनी में लगता तो दो दो डायरेक्टर होना जरूरी है. पर अगर वो सीएसआर के अंदर फॉल हो रही है, तो सीएसआर का क्राइटेरिया क्या है जल्दी से बोल दीजिएगा, 500 करोड़ क्या चेक करेंगे उसका नेटवर्थ, या 1000 करोड़ टर्नओवर, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ मोर, ऑलराइट. चलिए ठीक है ना, ऑडिट कमेटी कॉन्सेप्ट को देखते हैं. Audit committee comprised of at least 3 directors by all listed companies, majority of which have an independent director. ये याद रखना, एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार मेरे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है. एग्जामिनर पूछ सकता है कि है ना कौन कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी सेक्टर में बताएंगे जो कि फैमिली ओन बिजनेस को फॉलो करनी होगी. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, ऑडिट कमेटी है, सीएसआर कमेटी है, ये कंपनी जैसे ही फैमिली बिजनेस इन कैटेगरी में फॉल होंगे, इन्हें याद रखिएगा, इन्हें कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे. लाइक नॉमिनेशन रिमेंशन कमेटी है. अब जब जब याद रखिएगा, 3 और मोर नॉन लिस्टेड डायरेक्टर्स ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब जैसे यहाँ पर आप कमिटीज बनाएंगे, तो भले ही फैमिली ओन बिजनेस के अंदर आप अपॉइंटमेंट अपने बच्चे का कर रहे हैं, फैमिली ओन बिजनेस है, मान लीजिए कंपनी बना हुआ है उसमें बच्चे कर रहे हैं, एनआरसी से कंसिडर तो करना पड़ेगा, एनआरसी कंसिडर करेगा कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ये अपॉइंटमेंट सही है नहीं है. और अगर कुछ पता लगा ना गड़बड़ कर रहे हो, ये फैमिली फर्स्ट अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं एट द कॉस्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स है तो इन्वेस्टिगेशन भी करवा देंगे. देखो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 211 provides that establishment of serious fraud investigation office and look into the affairs of the company and investigate in the instances of fraud upon receipt of report of the registrar, inspector generally in the public interest or from the department of central or state government. Now listen very carefully my all dear all, what I'm trying to tell you, ये aspects ना family business में cover की जाएंगे. तो मैं आपको बताऊं यहाँ एक question कैसे develop हो सकता है, एक short note के लिए prepare हो सकता है. अगर शॉर्ट नोट से बनके क्वेश्चन बनके आता है तो हमको शॉर्ट नोट, इन द सेंस शॉर्ट नोट लिखने के लिए नहीं आएगा, हमको समझना होगा, कमेंट बेस हो सकता है. जैसे एग्जांपल, इंडिया एंजॉयज अ रिच ऑफ एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ फैमिली ओन बिजनेसेस. अ फैमिली ओन बिजनेस मे बी अ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली. अब ऐसा पूछ सकता है, इन दिस रिगार्ड द सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फैमिली ओन
companies have been incorporated under the Companies Act 2013. Discuss. समझ में आ रहा है तो हमें ये एस्पेक्ट समझ के वोट करनी है, ये एस्पेक्ट कंपनी को कवर करनी पड़ेगी. ऑलराइट, कुछ और भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं, बट आई जस्ट सिंपली से कि चैलेंजेस आपको रीड करके जाना है. चैलेंजेस क्यों रीड करने का, ये एस्पेक्ट समझ, जैसे देखो मैनेजिंग डाइवर्स ओपिनियन हमेशा याद रखेगा फैमिली बिजनेस में अक्सर इशू होता है. ठीक है, अनंत अंबानी को लगता है कुछ और, ठीक है टीना अंबानी को लगता है कुछ और, मुकेश अंबानी को लगता है कुछ और, यहाँ पर डाइवर्स ओपिनियन भी दिक्कत कर देता है. देखो इन्वॉल्विंग इन द बिजनेस सॉल्विंग इंटरनल इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स बोथ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, शेयरहोल्डर क्रेडिटर, इनको भी भैया ये ट्रस्ट नहीं करते हैं फैमिली ओन बिजनेस के अंदर, डिसन फैमिली ओन कंट्रोल बिजनेस के ऊपर है. चैलेंज फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स फॉर लीडरशिप पोजिशंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इनकमबेंट एंड इनकमिंग जनरेशन, इनकमबेंट जो एग्जिस्टिंग जो आपका जनरेशन है और जो नया जनरेशन को ज्वाइन कर रहा है, इनके ऊपर इनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो आप प्रोसेस को दोनों कंसिडर नहीं करते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट डियर ऑल दिस, सिंपली रीड दिस, यू नो व्हाट चैलेंजेस, इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम बट इट्स क्वाइट यू नो कैन बी अंडरस्टूड बाय जस्ट सिंपली रीडिंग, बट सिंपल रीडिंग यू कैन अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट, एनीवेज इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो डियर ऑल प्लीज बताइएगा, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अपना एक क्वेरी भेज सकते हैं नाके 9 के व्हाट्सएप नंबर पे. ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन और टेस्ट सीरीज के लिए रेडी रहेगा. गुड बाय, टेक केयर.